बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 7 बजे हुए और जो सुबह का दूध है वो अभी आया है मेरे सामने। ये दूध है, इसमें काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, ग्राइंड करके पकाया हुआ है। बहुत मज़े का लगता है, कल भी पिया था। जब से आया हूँ सुबह का नाश्ता यही होता है। तो सर्दी है इसीलिए रज़ाई में बैठा हुआ हूँ। सुबह से ऐसे ही है, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता है सर्दी की वजह से। तो अभी बस ये पीते हैं। मजे का है। अब्बा जी के साथ आया हूँ चारा लेने के लिए। तो चारा कटा हुआ है, बस उठा के लेके जाना है। बस मैं वैसे ही साथ आया था, क्यों जिस दिन से आया हूँ घर में बैठा हूँ। बस एक चक्कर शहर का लगा, वो भी जिस दिन आया था उससे अगले दिन लगाया था। तो घर में बैठे बैठे वैसे ही बोर हो जाता है। कल वैसे दूसरी फसल की तरफ निकला था तो आज बस इधर आया हूँ अब्बा जी के साथ। वो काफ़ी दूर है और लेके भी काफ़ी दूर जाने हैं। तकरीबन वो सड़क है और उधर से उठाने हैं, काफ़ी सफ़र है लेके जाने का भी और मुश्किल भी है और लेके भी जाने हैं। तो अभी लेके चलते हैं उधर तक, फिर उससे आगे वो रिक्शा आएगा उस पर लेके जाएंगे। तो यहाँ तक का जो लेके जाना है वो ही मुश्किल है, आगे तो फिर आसान होगा हमारे लिए। गाचा हमारा चला गया घर में, रक्षे पे चला गया। बस अभी ये जो चारा है ये थोड़ा सा लेके जाना है, उसकी कटाई हो रही है। बस अभी डालते हैं, उसके बाद हम फारग हैं फिर घर जाएंगे। क्यों सुबह का बस वही दूध पिया हुआ है और नाश्ता भी फ़ोन किया है मैंने, तो हमारे जाते तक तैयार हो जाएगा फिर वो भी। अभी असर की नमाज़ पढ़ के इधर निकला हूँ अपनी ज़मीन की तरफ। गंदम की बिजाई हुई है, मेरे आने से पहले हुई है। बस मैं नज़र मारने के लिए इधर आया हूँ, थोड़ा सा देखने के लिए। क्यों पता नहीं जब से आया हूँ ना सुस्ती नहीं उतर रही है। कल भी नींद में टाइम नहीं था सोने का, लेकिन मैं सो चुका था उस वक़्त और आज भी सुबह से सोया हुआ हूँ। तो जब से चारा लेके आए थे बस उसके बाद सोया हूँ, तो ज़ोर के टाइम उठाऊँ नींद पता नहीं क्यों इतनी आ रही है, सुस्ती उतर नहीं रही है। तो बस अभी थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं ज़मीन की सूरत हाल। क्यों कल थोड़ा सा ना इधर वो आग वगैरह लगाई थी, तो उनकी जो धूड़ वगैरह थी ना, उनकी जो धूल वगैरह थी ना वो इधर आई है। क्यों ज़मीन में थोड़ा सा ख़राबी सी हुई है, उठवाया तो था कल आदमी लगाया था, तो उसकी वजह से कुछ सफाई हो चुकी है मगर अभी भी कुछ बाकी रहता है। ये देखें ये गंदम की बिजाई की हुई है, तो वो उधर से है ना धूल वगैरह, वो साथ वालों ने कुछ काम किया था थ्रेशर वगैरह का, तो उसकी वजह से धूल काफ़ी ऊपर रहती है। कल उठवाई है ऊपर से तो अभी भी कुछ रहती है। ये देखें ये मैं कह के गया था अब्बा जी को, ये निकलवा के बाहर रखवाया हमने,
क्यों इसके साथ पानी बहुत, इधर आपको पहले भी दिखाया था, इधर पानी काफ़ी खड़ा रहता था तो काफ़ी फसल की ख़राबी होती थी कि पानी रुकता नहीं था, तो इस वजह से इसको निकलवा दिया। ये काम ठीक है, क्यों आज आखिरी दिन है इधर, कल को वापसी हो जाएगी, क्यों घर वाले भी कह रहे थे, घर वालों को आज पता चला है कि कल वापसी है, वो भी अचानक से कह रहे इतनी जल्दी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो बस अब मजबूरी है जाना है, क्यों स्टडी उधर चलती है, बस 2 साल रहते हैं, बस जल्दी से ख़त्म हो, क्यों मैं भी अब थक चुका हूँ, बस अब मूड नहीं है, दिल नहीं करता उधर रहने को भी, ना दिल लगता है, बस मजबूरी के तहत रह रहा हूँ, तो बस जल्दी जल्दी से दुआ है कि ये जो 2 साल हैं कामयाबी से गुजर जाएं, तो फिर उसके बाद इधर ही, और जो ये सुस्ती है ना 2 दिन की, इसकी वजह से काफ़ी काम मेरे रुक चुके हैं, काफ़ी काम रुके हैं, अब तो टाइम भी नहीं है, कर भी नहीं सकूँगा, तो एक तो घर वालों की जो फरमाइश थी वो भी रुकी हुई है उनका, जब मैं पिछली बार आया था उस वक़्त मेरी तबीयत ख़राब थी, जब बुखार था उस वक़्त सामान लेके आया था, क्यों उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बाज़ार से जो सामान लेके आया था शवारमे वगैरह का, पीटा ब्रेड बनाने का जो होता है ना सामान, खमीर वगैरह, वो ला के उस भी वक़्त का रखा हुआ है, तो अभी भी इनकी फरमाइश घर वालों की यही थी कि हमें शवारमे बना के, क्यों उन्होंने मेरे जाने के बाद एक बार बनाए हैं लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया उनको, तो वो भी आज मेरा मूड था बनाने का, लेकिन फिर भी पता नहीं अचानक से आंख लगी है, दोबारा खुली नहीं है, ना घर वालों ने उठाया, तो अभी अगर देखते हैं जब घर जाके अगर मूड बनता है तो बनाएंगे, पीटा ब्रेड तो टाइम थोड़ा ही लगेगा, क्यों सब सामान मुकम्मल है सारा, बस सुस्ती, ये सुस्ती पता नहीं कब ख़त्म होगी, तो बस अभी चलते हैं घर में, बस देखना ही था इसको, वो हमने देख लिया है, अब चलते हैं। ये फिश को अभी मैरिनेट किया है, तकरीबन थोड़ा सा टाइम ही लगेगा इसको, चल मैं खड़ा हूँ तो थोड़ी सी रोशनी कम है इसलिए ये तस्वीर ऐसी आ रही है, तो इशा के बाद का टाइम है, या तकरीबन अभी नमाज पढ़ के आए हैं, तो टाइम 7:30 पौने 8 का टाइम है, तो अभी इसको मैरिनेट किया, बस दिल कर रहा था खाने को, तो अभी थोड़ी देर तक तकरीबन 15-20 मिनट तक की इसको फ्राई भी कर लेंगे हम, तो उस वक़्त खाएंगे, क्यों वैसे तो इसको मैरिनेट करने में टाइम काफ़ी देना पड़ता है, तकरीबन 1-1.5 घंटा, लेकिन अब जल्दी है क्योंकि गैस का भी पता नहीं है किस टाइम चली जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करने की करेंगे, जो क्यों जो जिस टाइम दिल कर रहा हो ना चीज़ खाने का, तो उसी टाइम उसको बनाना भी चाहिए और इस टाइम खाना भी चाहिए, तो बस अभी थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे, ये फ्राई हो रही है और ये की है अभी, बड़ी मज़े की बनी हुई थी, अभी खा के फारिग हुआ तो बस रात काफ़ी 8:15 हो रहे हैं, तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।